मेरा कमरा, जहां अक्सर मेरे और तन्हाई के अलावा कुछ नहीं होता था, वहां अब तुम्हारी और मेरी यादों ने जगह बना ली है। महसूस करने लगा हूं तुमको। जानता हूं तुम्हारे मेरे बीच की ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है। जब भी तुमसे मिलने का मन होता है तो अपने दिल को बहलाना पड़ता है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारी मुस्कुराहट से दिल लगाना पड़ता है। सोचता हूँ जब मैं तुमसे पहली बार मिलूँगा तो कैसी होगी वो पहली मुलाकात। क्या कहूँगा तुमसे, कुछ कह भी पाऊँगा या बस तुम्हें देखता रह जाऊँगा। तुम्हारी बातों को जब सोचता हूँ तो लगता है जैसे तुम मेरे पास ही किसी बच्चे की तरह बैठी हो और मेरे कान में सुना रही हो अपने पूरे दिल का हाल, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सब कुछ जो तुम्हें पसंद है। कई महीने बीत चुके हैं, ना जाने इस कैलेंडर को आखिरी बार मैंने कब देखा था। अब तो ये महज दीवार पे एक सजावट के अलावा कुछ नहीं लगता। मगर यकीन मानो, एक एक दिन गिन रखा है मैंने अपनी उंगलियों पर, तब से जब से मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी। मुलाकात ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वो पहली बार बात ही इतनी गहरी थी कि अक्सर मुलाकातों में भी नहीं होती। वैसे याद आया, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है और हाल ही में मुझे पता चला है तुम्हें झुमके बहुत पसंद हैं। तो जेब खर्च बचा कर कुछ पैसे जोड़ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए दो जोड़ी झुमके। तुम्हें जो पसंद आए रख लेना, वैसे ये सारे तुम्हारे ही हैं। बस उम्मीद करता हूँ जब मिलूँगा तुमसे तो खुद पहनाऊँगा ये तुम्हारे कानों में। तब तक बस रोज शाम को शांति से छत के किसी कोने पे देखता हूँ ये ढलता हुआ सूरज, सुनसान रास्ते, और बस बात करता रहता हूँ खुद से, अपने ख्यालों से, और सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूँ। इस हद तक जहाँ से लोगों की हदें शुरू भी नहीं हुई होंगी, उस हद तक और उस हद के पार मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ।